শনিবার থেকে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের কমিশনিং শুরু হয়েছে উমাকান্ত স্কুলে। এই সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ইভিএম মেশিনগুলো ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিল করে দেওয়া হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন স্টেশন হচ্ছে 793টি। এই ফাইনাল রাউন্ডের পরে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটগুলো সরাসরি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাবে বলে জানালেন রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমার। तो टोटल जो भी 793 पोलिंग स्टेशन है उनकी कमीशनिंग आज और कल में ख़त्म हो जाएगी। इस कमीशनिंग के दौरान हम लोग जो बीयू है, बैलेट यूनिट है, इसमें हम लोग कैंडिडेट्स के नाम करते हैं, डालते हैं, और कंट्रोल यूनिट में हम लोग कैंडिडेट सेटिंग करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया, और वीवीपैट में सिंबल अपलोड करते हैं। तो आज के बाद इन सभी ईवीएम पोलिंग स्टेशन में फंक्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये पूरा जो प्रोसीजर होता है आप देख सकते हैं कि ट्रिपल सिक्योरिटी के बीच में होता है और पोलिंग पार्टीज के साथ कॉपरेशन के साथ होता है। इस दौरान ईवीएम्स को दोबारा से चेक किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि पोलिंग स्टेशन पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम के साथ कोई समस्या ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो और सुचारू रूप से पोलिंग किया जा सके। और मैं जिस तरह से उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे ईवीएम बहुत अच्छे हैं, M3 ईवीएम आए हैं जो पहले वाले ईवीएम से कई इम्प्रूवमेंट है उसमें, और पोलिंग जो बहुत स्मूथली हुआ।